नमस्ते, मैं गीता खराब आपको आज ये क्वेश्चन कॉर बनाना बताऊंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। हम इसकी कितनी लेंथ लेंगे, कितनी विड्थ लेंगे और बनने के बाद क्या साइज़ का हमारा क्वेश्चन बनेगा, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमने ये क्लॉथ लिया हुआ है, इसकी टोटल लेंथ हमने रखी है इधर से 23 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है और इसकी विड्थ भी हमने रखी है 23 इंच। लेंथ और विड्थ हमें सेम रखनी पड़ेगी हार्ड कुशन के लिए भी, फिर वो साइड से कट हो जाएगा। अभी हमें 1-1 इंच के स्क्वायर बनाने हैं तो हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है और ऐसे हमें छोटे छोटे पार्ट में निशान लगाएंगे। इधर की साइड पे भी हम 1-1 इंच पे निशान लगाते हैं। अभी निशान को हम मिलाएंगे। हमारे 23 इंच हमने टोटल क्लॉथ लिया हुआ है लेंथ की साइड से भी और विड्थ की साइड से भी। इसमें हम बॉक्सेस बनाएंगे 21 बॉक्स। लेंथ की साइड से भी हमारे 21 बॉक्स बनेंगे और विड्थ की साइड से भी हमारे 21 बॉक्स बचेंगे। आगे वाले को भी हम मिला लेते हैं 1-1 इंच के निशान लगा के। 21 बॉक्स बनेंगे तो 21 बॉक्स साइड से 2 1 क्लॉथ और 1 क्लॉथ दोनों साइड में हमारा 2 इंच क्लॉथ छूट जाएगा। अभी सभी लाइन को हम मिला लेते हैं ऐसे ही। इसी तरह से हमें पूरा ये कंप्लीट करके लाना है, एक साइड से छोटे छोटे पार्ट में निशान लगा के। हमने ये पूरा निशान कंप्लीट कर दिया, दूसरे साइड के भी हमने ये निशान लगा दिए 1-1 इंच पे। लेंथ की साइड हमने लगाए थे, अभी विड्थ के साइड से भी हमने ये 1-1 इंच पे निशान लगा दिए। अभी निशान को हम मिला लेते हैं, हमारे ये स्क्वायर बन जाएंगे 1x1 के। अगर आप डिजाइन छोटा बड़ा बनाना चाहें तो आप ये स्क्वायर छोटे या बड़े भी बना सकते हैं। 2-2 सेंटीमीटर के भी आप ये स्क्वायर बना सकते हैं या 1.5 इंच के भी आप ये स्क्वायर बना सकते हैं। बड़ा डिजाइन बनाना चाहें तो आप बड़े स्क्वायर बनाएं। ऐसे ही हमने ये पूरा कंप्लीट करना है, ये हमारे बॉक्स बन जाएंगे और इसको हम पूरे को कंप्लीट करके लाते हैं बॉक्स बना के। ये हमने पूरे में बॉक्स बना दिए हैं। अभी हम डिज़ाइन आपको पेपर पे समझाएंगे। हमने ये 21 बॉक्स उसमें बनाए हुए हैं और 21 बॉक्स ही हमने इसमें लेंथ की साइड से बनाए हैं, 21 बॉक्स हमने विड्थ की साइड से, हमने अपने क्लॉथ पे भी उतना ही बनाया। अभी हमने ये 11 का बॉक्स है जो बीच से लिया हुआ है। अभी इसमें नेक्स्ट लाइन को हमें छोड़ना है, फिर नेक्स्ट वाली पे क्रॉस करना है, फिर इसके साइड में हमें जाना है और इसके इधर पे जाना, फिर अभी नेक्स्ट वाली लाइन में फिर से जाना है। अभी हर एक में हमें एक एक ऐड करते हुए जाना है। 1 को हम ऐड करना है, अभी ये 5 हो गए हैं। अभी हमारे 7 क्रॉस करना, हमें 1 बॉक्स का गैप दे के इधर पे हमें ये टोटल 7 बनाने हैं। आप इसे बड़ा साइज भी बना सकते हैं क्वेश्चन, जैसे हमने इसमें 23 इंच टोटल ली है और 21 हमने ये बॉक्स बनाए हैं, तो आप इसमें 31 इंच का भी ले सकते हैं, 35 इंच के भी आप ले सकते हैं, कितने आप बॉक्स इसमें बना सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप बड़े बॉक्स ज़्यादा कपड़ा लें, 35 इंच या 31 इंच आप ऐसे ले सकते हैं। अभी हमें नेक्स्ट वाले में फिर ऐसे ही हमें एक एक में ऐड करते हुए जाना है। स्टार्टिंग में जितनी आपकी विड्थ है, जब तक आपकी विड्थ, अभी हमारी विड्थ यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अभी हमें स्ट्रेट में जाना है, अभी हमें सेम ये लाइन भी पूरी क्रॉस करने जैसे हमने ये अभी की थी इससे पहले वाली। अभी इसे नेक्स्ट वाली भी सेम हमें ऐसे ही करनी है। अभी नेक्स्ट वाली भी हमें सेम ऐसे ही लाइन करनी है। आप इसमें कोई और डिजाइन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट वाली में हमें क्या कर्व शेप देनी है।
हार्ट शेप देनी है तो ऊपर से हमें क्या करना है, ये वाला बॉक्स हमें छोड़ना है, इस वाले बॉक्स पे हमें ये क्रॉस करना है। फर्स्ट वाला बॉक्स हमने छोड़ दिया है, और जो मिडिल वाला है इसको भी हमें नहीं करना है, इसको भी हमें छोड़ देना है। तो हमारी इधर की 4 बन गए हैं इधर क्रॉस, और मिडिल वाला हमने छोड़ा है, तो इधर में इस वाले क्रॉस पे हमें क्रॉस करना सामने सामने, इधर भी हमें ये 4 ही बनाने हैं। इसका लास्ट वाला भी हमें नहीं करना है, इसको भी हमें छोड़ना है। अभी इसके ऊपर फिर से हमें नेक्स्ट वाइट लाइन बनाएंगे, जो उसमें भी हमें 1 का गैप देना दोनों साइड में, तो इधर ये हमारे 2 ये बनेंगे क्रॉस, और इसके ऊपर भी हमें 2 क्रॉस बनाने, साइडों में 2-2 छूट गए हमारे ये, तो ये हमारी हार्ट शेप बन गई है। हमने ये पूरा हार्ट शेप कंप्लीट कर दिया है। आप इसे बड़ा या छोटा डिजाइन भी बना सकते हैं, जैसे आपको कुशन बनाना चाहिए वैसे कर सकते हैं। अभी हमने ये पेपर क्लॉथ पे भी सेम हार्ट शेप बना दिया है ऐसे ही। अभी हमें क्या करना है, 1-1 इंच साइड से छोड़ना, आप 2 इंच छोड़ना चाहें तो 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें अपने पेपर क्लॉथ पे भी 1-1 इंच साइड में छोड़ा हुआ है, तो हमें पेपर पे भी आपको 1-1 इंच साइड में छोड़ के दिखा रही हैं। ऐसे में हमें निशान लगाना अपने क्लॉथ के ऊपर भी सेम जैसे इस पे दिखाई दे रही हैं। अभी जो ये लाइन्स, इन लाइन्स को हम मिलाएंगे तो 1-1 इंच का हमारा ये साइड से क्लॉथ छूट जाएगा। फिर हमको इसे कट करेंगे हम इसे। अभी साइड से भी हमें 1-1 इंच का ये मान लो बॉक्स बना हुआ, तो 1-1 इंच का इसको भी ऐसे स्ट्रेट करेंगे, और इधर से भी 1-1 इंच के निशान लगाएंगे। चारों साइड हमें इसके पूरे 1-1 इंच का गैप देना है और इसको कट करना है। सेम हमें क्लॉथ पे भी ऐसा ही करना है। जैसे हमने 23 इंच लिया था, तो 21 बॉक्स हमारे इसमें बने हैं, तो साइड से 1-1 इंच इसमें बचा हुआ है, तो वही हम इस क्लॉथ में ले रहे हैं इसमें पेपर पे। कपड़े पे भी सेम हमें ऐसे ही करना है, इधर से भी 1-1 इंच का गैप करना है और इसके लाइन को मिलाना है। दूसरे साइड से भी ऐसे ही करेंगे। और इसमें ऐसे क्रॉस करेंगे, इधर से भी हमें 1 इंच का गैप देना है यहाँ से भी, तो ये हमारा मिडिल पॉइंट आ जाएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं। हमें हर जगह से सेम गैप रखना है, तो हमारा अच्छे से हार्ट बन जाएगा, ये हमारी शेप आ जाएगी हार्ट शेप की। अभी हमने क्लॉथ पे भी ऐसे निशान लगा रखा सेम जैसे उस पर निशान दिखाया था आपको। अब इसको हमने कट कर दिया है, हमारा ये हार्ट बन गया। अब इसको सिलना स्टार्ट करते हैं हम। हमें कॉर्नर टू कॉर्नर जाना है इसमें सिलने के लिए। पहले हमें फर्स्ट कॉर्नर पे डालना है, फिर हमें सेकंड वाले पे, फिर थर्ड वाले पे, वापस से हमें फर्स्ट वाले पे जाना है। अभी धागे को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है, और क्लॉथ को अंदर की साइड रख के हमें नॉट लगा देनी है। टू लीफ को एक साइड करना है, टू लीफ को एक साइड करना है, मिडिल में से नॉट लगानी है इसकी, निडल निकाल के हम 2 टाइम नॉट लगाएंगे इसकी। एक बार फिर से हम ऐसे ही करेंगे, अभी नेक्स्ट वाला सिलेंगे। हम आपको बता दें, अगर आप जितनी भी लेंथ और विड्थ लेंगे उसका हाफ हमारा ये कुशन बनेगा। जैसे हमने ये इसकी 23 इंच लेंथ और विड्थ रखी है, तो हमारा ये 11.5 इंच का हमारा टोटल बच जाएगा, लेकिन सिलने के बाद ये 11 इंच का हमारा ये बन जाएगा। तो अगर आपको 15x15 का बनाना है तो 31 इंच आप लें, और उससे बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा कितना भी साइज़ का लोगे उसका हाफ हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा इस डिज़ाइन में। आप अपने साइज़ के अनुसार डबल क्लॉथ लें और फिर ये इस डिज़ाइन को बना सकते हैं आप। अभी नेक्स्ट वाले पे भी हम ऐसे ही गए, फिर इसके नेक्स्ट कॉर्नर पे जाते हैं, और फिर इसके नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे जाएंगे, वापस से फर्स्ट वाले कॉर्नर पे आएंगे। धागा हमें नीडल में डबल रखना है, ताकि धागा हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, टूटे नहीं। एक बार डिजाइन बन जाता है, बार बार उसको खुल जाने के बाद वो अच्छे से नहीं बन पाता, इसलिए हमें पहले से ही स्ट्रॉन्ग बनाना है।
अभी हमारा ऐसे बन गया, इसको भी हम पूरा कंप्लीट करते हैं इधर से कॉर्नर टू कॉर्नर जाके। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इधर से ऐसे दिखाई देगा अभी हमारे डिज़ाइन। वन लाइन कंप्लीट होने के बाद ये ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी नेक्स्ट टाइम बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इसमें भी हमें कॉर्नर टू कॉर्नर जाना है, सेकंड वाले कॉर्नर पे जाना है, फिर नेक्स्ट वाले पे जाना है, फिर नेक्स्ट वाले पे, फिर वापस से फर्स्ट वाले पे आना है। टू लीफ को एक साइड करना है, टू लीफ को एक साइड करना है, और हमें मिडल में से नीडल निकाल के नॉट लगा देनी है। एक बार फिर से हम नॉट लगाते हैं इसमें। हमारी नॉट लग गई, अभी नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, पहले हमें नॉट लगाना है। एक बार फिर से निकालते हैं, हमारी नॉट लग गई है। अभी हम कॉर्नर टू कॉर्नर जाना है, हमें थर्ड वाले कॉर्नर पे जाते हैं, फोर्थ वाले पे, और वापस से हमें फर्स्ट वाले कॉर्नर पे आना है। धागे को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है और कपड़े को अंदर के साइड रखना है और हमें नॉट लगानी है। हम ऐसे लाइन वाइज सिलेंगे, जैसे हमने पहले फर्स्ट लाइन की फिर सेकंड लाइन की, ऐसे ही हमें पूरी लाइन वाइज जाना है इसमें। अभी नेक्स्ट वाले में फिर से हम कॉर्नर टू कॉर्नर जाएंगे और पूरी की नोट लगा के इस तरह से मैं ये पूरी फिर नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे हम पूरे को कम्प्लीट करके लेके आते हैं। हमने पूरा कम्प्लीट कर दिया है, अभी हमारा ये डिजाइन बन गया है। अभी हमें, आप चाहें तो ये वाला डिजाइन भी रख सकते हैं, अदरवाइज हम आपको दूसरा डिजाइन बनाना बताएंगे। जो हमारी लीफ है हमें इसके मिडिल में से निकालना है, नीचे से हमें निडल को ऊपर की साइड लेके आना है और इसके इधर से निकालना है। अभी इसके मिडिल में फिर से डालेंगे एक बार, और इसके एक बार फिर से थ्री टाइम हमने इसके अंदर से निकाला इसको, और इसमें मोती डाल देते हैं एक, और इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये हमारा बो टाइप बन जाता है एक। एक बार फिर से हम इसमें धागा वो डालेंगे मोती के अंदर, वापस से नीचे की साइड हमें इस नीडल को निकालना है और नॉट लगानी है। टू टाइम नॉट लगा देते हैं हम इसकी। अब इसको कट कर देते आगे को। हमारा ये एक मोती लग गया, अभी नेक्स्ट वाला मोती लगाना हमें। ध्यान रहे हमें थ्री टाइम इसमें से निकालने पर, नीचे से ऊपर निकालना है, फिर सेकंड टाइम इसके मिडिल में से, और नेक्स्ट टाइम इसके लास्ट की साइड से। थ्री टाइम हमारी नीडल इसमें से निकल जाएगी। और ये हमारा नेक्स्ट वाला मोती इसमें डल गया है। अब नीचे की साइड से हम इसमें नीडल को निकाल के इधर हम नॉट लगा देते हैं। धागे को बार बार हमें कट करना पड़ेगा, हर जब भी मोती लगाएंगे नेक्स्ट वाला तो हमें धागे को कट करना पड़ेगा इसमें। अभी हम नेक्स्ट वाला मोती लगाएंगे फिर से। नीडल हमें नीचे से ऊपर साइड निकालनी होती है, ये निकाल दी हमने इधर की साइड, और इसके मिडिल में से ही हमें इसको लेके जाना है। साइड से नहीं करना है, नहीं तो हमारे ये बो अच्छे से नहीं बन पाएगी। एक बार फिर से ऐसे ही निकाल लेते हैं, और नीचे एक साइड हमें ये लेके जाना है। धागे को कट कर देना हमें, इसी तरह से हमें पूरा ये कंप्लीट करके लाना है। हमने पूरे मोती लगा दिए हैं, मोती लगाने के बाद हमारा कुछ ऐसे डिजाइन बन गया है। अभी हमने ये बैक पार्ट के लिए क्लॉथ लिया हुआ है, इसको इसके ऊपर रखना हमें ऐसे ही। अभी इसको हमें कट नहीं करना, जितना ज़्यादा कपड़ा उस चीज़ को साथ में रखना है, और हमें इसमें जिप लगानी है। तो ऐसे फोल्ड करेंगे, हम इस पर निशान लगा देते हैं कहाँ तक हमारा ये क्लॉथ आएगा। तो मिडिल में से निशान लगा के हमें ऐसे इसको कट कर देना है, क्योंकि बाद में अगर छोटा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हार्ड शेप है। अभी हम इस पर जिप लगाएंगे,
इधर से हमें ये ऐसे जिप रख के दोनों साइड में हमें इसको सिल के लेके आना है। इधर से भी सिल जाएगी ये और इधर की साइड से भी, दूसरे साइड से भी हम इसको सिलेंगे। हम इसको सिल के लेके आते हैं, जिप इस पर अटैच करके लाते हैं। हमने इस पर जिप को अटैच कर दिया है। अब ये सीधा पार्ट हो गया है इधर से। अभी हम इसके ऊपर हार्ट शेप रखेंगे अपना, ये फ्रंट वाला पार्ट, और इसमें पिंस लगाएंगे हम। पिंस लगा के फिर हमें इसमें सिलाई लगाना इजी हो जाएगा, इधर उधर हमारा ये नहीं जाएगा। और हमें जिप को खोलना है, जब भी हम इसको सिलेंगे तो पहले हमें जिप को खोलना है और फिर हमें पिंस लगानी है। हमारी ये काफ़ी बड़ी जिप है, इसलिए हमें बाहर की साइड हमने इसको छोड़ दिया है। आप सेम साइज़ की भी जिप ले सकते हैं। हमने इसे पूरे में ये लगा दिए हैं नीडल। अभी इनको सिल के लेके आना है। इधर से पूरे में हम सिलाई लगा के लेके आते हैं। हमने नीडल को निकाल दिया और सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा कुछ ऐसे बन गया है। इधर से हम इसको ऐसे खोल सकते हैं और एक्स्ट्रा क्लॉथ को हम इसको कट कर लेते हैं। अभी हम इसको सीधा करेंगे। आप इससे बड़ा कुछ नहीं बना सकते। जितना भी बड़ा आपको बनाना है उसका डबल कपड़ा लेना। अगर 15x15 का बनाना है तो आपको 31 इंच का कपड़ा लेना पड़ेगा। 17x17 का बनाना है तो आपको 35 इंच कपड़ा लेना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये बन गया, इधर से 11x11 का हमारा ये कुशन बन गया है। हमने 23 इंच इसमें कपड़ा लिया था, इसकी टोटल लेंथ इतनी बची है। अभी हम इसमें कॉटन डाल देंगे और ये हमारा कुशन बनके रेडी हो जाता है। फिर इसमें 150 ग्राम कुशन आया, वो कॉटन डली है, कोई ज़्यादा कॉटन नहीं डली इसके अंदर। अभी हमारा क्वेश्चन बनके रेडी हो गया है। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।